कॉलेज। ये नोट क्या आपने, मैंने आज ना बाइक में अपनी में नींबू मिर्ची लगवाई है ताकि भाई शनिवार का दिन है यार, मेरे साथ ऐसे ये कांड वांड होते रहते हैं। तो नींबू मिर्ची क्या बता, क्या बोलते हो आप, ये काम करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में मेरे को बताना जरूर, ठीक है। नींबू मिर्ची का कमाल, बाइक बाइक को बचाना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक बाइक हो गई ना इसलिए मेरी। हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो गाइज मैं महेश HR76 राइडर हरियाणा का देसी छोरा लेके आया आपके लिए एक और नई वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि भाई मेरी जो बाइक है इसकी सर्विस होने वाली है, 10वीं सर्विस है, 15 महीने में 10वीं सर्विस करवा रहा हूँ गाइज मैं इसकी। तो किलोमीटर काफ़ी चल चुके हैं, बताओ इसमें किलोमीटर इसलिए कम दिखा रहे हो कि अभी मेरा 30,000 रुपये एक्सीडेंट हो गया था गाइज, तो उस वजह से इसका मीटर चेंज वगैरह हुआ था जब थोड़ी दिक्कत सी आ गई थी। तो वैसे तो 10वीं सर्विस होने जा रही है मेरी बाइक की, तो मैंने इसकी AMC ले रखी है बाइक की। तो देखते हैं हम जाकर कितना मेरे को सस्ता पड़ने वाला है वहाँ पे, कितना क्या पड़ेगा एक्चुअल में, जो भी रेट शेट रहेगा, क्या क्या उन्होंने बदला है फ्री में, क्या किस कराए, तो मैं आपको सारा डिटेल्स में बता दूंगा। और आप किसी को भी बाइक लेनी हो ना, अगर गुड़गांव में कोई बंदा है, गुड़गांव में किसी को बाइक लेनी हो तो भाई Sector 14 से जाके ले सकता है, तुम्हारे भाई का नाम लोगे तो 100% आपको डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे मेरा नाम बोलते के साथ ही। ये भी यार मैंने उनसे आप लोग कोई बात नहीं कर रखी, बट ये अगर आप जाओगे यार कभी बाइक लोगे ना तो नाम ले देना भाई HR76 राइडर महेश भाई ने भेजा था, उनकी वीडियो देख कर मैं तुम्हारे शोरूम से बाइक ले रहा हूँ, 100% कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट देंगे, ये भी बात है। अगर नहीं दे तो भाई मेरे पास DM कर देना फटाफट से, अगर ऑनलाइन आया फिर एक दो दिन पहले DM कर लेना लेने से पहले, वो मैं आपको मैं बता दूंगा, मैं पूछ लूँगा या फिर जो घर जैसा भी रहेगा तुम मेरे शॉप पे चले जाना, या फिर कॉन्टैक्ट रहेगा कर लेना। भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी ना किसी आदमी का भला ही हो, कुछ ना कुछ तो पैसे बचे, क्योंकि तो भाई आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना हद से ज़्यादा। तो भाई मेरा यही है कि अपने आसपास के इलाके गांव में जितने भी बंदे रहते हैं, क्योंकि सब यार रूरल टाइप के, मतलब रूरल एरिया हो गए हमारे इस तरफ ये भी, तो यार भाई यहाँ के यहाँ पे सब ज़्यादातर खेती करते हैं, उनको पता है यार पैसों की कीमत क्या है, ठीक है, 1 रुपये की कीमत का पता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके जितने भी हो सकेंगे मेरी तरफ से मैं आपको बेस्ट डिस्काउंट दिलाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी आपको इसकी सर्विस ऑल ओवर कॉस्टिंग के बारे में अगर जानना है तो मेरे पहले वाले HR76 राइडर वाले चैनल पर जाकर चेक कर लेना, वहाँ भी मिल जाएगा। ये मेरा दूसरा चैनल है गाइस जिस पे मेरे अभी तक कुछ भी सब्सक्राइबर्स नहीं है यार, वो वाले चैनल पे मेरे ब्लॉग डाउन हो गए, एक्चुअली मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं चल रही, तो मैंने इसी चक्कर में दूसरा चैनल बनाया है। तो बस आप मेरे को इसी चैनल पर भी सपोर्ट दिखाएं अपना पूरा भाई, जितना हो सके आपसे मेरी एक यही छोटे से रिक्वेस्ट है। और इस बाइक के बारे में आपको जो भी कुछ पूछना होगा भाई, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ले आऊँगा उस चीज़ के बारे में, मैं आपको बता दूँ कि मैं इस बाइक के नस नस से वाकिफ हो चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ सीधा फटाफट से, क्या बोलते हैं, अपने गुड़गांव Sector 14 शोरूम में, वहाँ पर करवाऊँगा बाइक की सर्विस, वो थोड़े मोटे काम वो भी देख लेते हैं, जो भी कहीं पाएंगे बाइक करवा लेंगे, टंकी इसके आते वक्त फुल करवा लूँगा मैं, कोई इशू नहीं है मेरे को आज तक, क्योंकि कल संडे राइड है ना, संडे राइड पे भी जाना है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरे को जाना है खाटू श्याम जी, अब मैं खाटू श्याम जी निकलने वाला हूँ थोड़े बहुत दिनों में, या फिर सिस्टम यार मेरा प्लान बन रहा है, बार बार बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम पानी, बट मैंने सोच लिया मैं कहा इसकी सर्विस करवा लेता हूँ पहले ही, अभी से 1500 किलोमीटर बस रहे हैं इसके, आराम से 1500 1000 क्यों 1600 किलोमीटर बस रहे हैं, उससे पहले ही मैं इसकी सर्विस करवा रहा हूँ। मैं चल छोड़ यार क्यों देखा अपना काम की भड़क ली, उससे पहले इसकी सर्विस करवा के डर कर देते हैं बाइक को, और उसके बाद लेके जाएंगे इसको कहीं ना कहीं पक्का बाइक को। कोई बंदा जाने वाला नहीं मिल रहा ना एक्चुअली मेरे को, कि जो मेरे साथ चल दे, एक बंदा भी हो खाली, घर वाले बोल रहे हैं कि तू अकेला भाई जाएगा नहीं, अकेले जाने देते मेरे को कहीं भी, तो बोल रहे हैं किसी को साथ ले जा जो भी तेरे साथ जाता हो, तो मैं उसी चक्कर में पड़ाऊँगा अभी से कोई चलते तो मेरे साथ में, अगर कोई नहीं जाएगा तो भाई आखिरी चांस है ये, मैं अपने भाई को लेकर निकल जाऊँगा राहुल को बाइक पे, मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है, फिर जो जैसा महेश उसके साथ वैसा, ठीक है। और आप सबका सपोर्ट भाई अपना बनाए रखो गाइस मेरे पे जितना हो सके, और बाइक के बारे में आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। तो गाइस फटाफट चलते हैं, मैं गुड़गांव मिलता हूँ आपको सीधा अपने शोरूम के बाहर। गर्ल्स कॉलेज,
हो बेलो वाला उसकी यादों में अलबेलो वाला वो कृष्णा है। तो गाइस ये पहुंच गए हम सेक्टर 14 वाले यामा के शोरूम में। मैं पहुंच चुका हूँ यामा के शोरूम में फिलहाल, और आपको पता ही है बैठा हूँ मैं फिलहाल तो बाहर ही, बाहर कुछ बाइक्स वगैरह खड़ी है, तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ अभी। देखो आप, ये देखो 20 रुपये में कांच की बोतल में स्टिंग आने के हाफ लीटर में भी स्टिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है अब तो। अब गर्मियों में पियो स्टिंग, और भाई जियो ही जियो, बस स्टिंग की फ्री में ऐड कर दी, कोई बात नहीं। ठीक है, ये रहा अपना यामा का सेक्टर 14 वाला शोरूम। तो आप गाइस कभी भी यहाँ पर आओ, बाइक खड़ी है देखो वो सामने खड़ी है दोनों, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप आना और करना एंजॉय। क्या दूँ भाई, लूप तो घर में रखी है, इतना चाली जाएगी इतनी, तो वैक्स मारनी है मन तो वाइट वाली। होगी वैसी बॉडी फिट मैंने। फाइनली बाइक अपनी रेडी हो चुकी है यहाँ पर, ये देखो वॉशिंग हो चुकी है, इसकी सर्विस हो चुकी है। कॉस्ट आपको अभी मैं बताऊँगा कितने रुपए होगी। ये सारी बाइक खड़ी है अम्मा की, और आप अंदर चेक करोगे तो गाइस वो वाइट कलर में जो ये कार रखी है अभी, जो वर्जन 4 आया है वो है, एंड एक ये खड़ी है V4। तो एक बार अंदर चलता हूँ मैं, एक बार अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा बाइक एक बार ये। तो गाइज फाइनली बाइक की सर्विस हो चुकी है डन, एंड आप उस तरफ देखोगे तो वो खड़ी है वाइट वाली, तो एक बार आप इसको और चला के और देख लेते हैं। लूब इनके पास थी नहीं भाई यहाँ पे, तो चैन लूब वगैरह तो हुई नहीं है, बट एक बार भाई परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ चेंज करी है यार AMC लेने के बाद भी भाई, इतना ज़्यादा खर्चा हो गया बाइक में अब की बार सर्विस में, जब भी 1800 रुपये लग गए भाई AMC ले रखे, इसमें लेबर चार्ज मेरे किसी चीज़ के नहीं लगे अब की बार। ठीक है, लेबर चार्ज हटा के जब है चलने में बाइक भाई ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाइक को चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है रियलिटी में काफ़ी। वो भाई एक से एक कलाकार है भाई इस धरती पे, अब घर जाके इस पर लूप मारेंगे, एंड जो बाहर से मैंने यार इसकी एक प्लास्टिक की वो मंगाई है स्पेशल, क्या बोलते पॉलिश, तो वो और चेक करेंगे गाइस वो कैसी है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा उससे कि कैसी क्या लग रही है बाइक दिखने में, एंड कल अपनी राइड संडे राइड वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर भी आएगा काफ़ी मज़ा। तो देख भाई बाइक चलने में भाई काफ़ी ओके है, तो ठीक है आपने देख लिया होगा भाई 10वीं सर्विस थी इसकी बाइक की, और 10वीं सर्विस की कॉस्ट क्या पड़ी है, तो भाई जो है सो है आपके सामने है। ठीक है, और आप और भी कुछ पूछना हो या मेरे से रह गया हो भूल चुक हो गई तो उसके लिए माफ़ कर देना, और कुछ और पूछना हो तो गाइस उसके लिए मेरे पास कमेंट कर देना, मेरे पास मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ले आऊँगा उसके ऊपर भी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, लव यू, वंदे मातरम, सभी को राम राम।